फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कर्मचारी की मौत मामले में सैकड़ों लोगों ने कंपनी के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन और जमकर हंगामा किया, तो वहीं मौके पर मौजूद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। विलाप करते दिखाई दे रहे ये परिजन मनोज के परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसकी हत्या कर दी गई। मूल रूप से मनोज अलीगढ़ का रहने वाला था और स्पोर्ट्स कंपनी में काम करता था। परिजनों का आरोप है कि 21 सितंबर को मनोज को सरिये से मार मारकर बेहाल कर दिया, जिसमें उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी की माने तो कंपनी के HR रवि नाम के अधिकारी ने 21 तारीख को उसके पति को सरिये से पिटवाया। उसके बाद पीड़ित मनोज को परिजन अलीगढ़ से ले गए, जहां इलाज के दौरान कल रात को उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में मृतक के चाचा और उसके साथ काम करने वाले युवक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देवेंद्र पाल सिंह, देवेंद्र क्या हुआ कंपनी के बाहर खड़े हो? ये कंपनी का हमारा भतीजा है, ये नौकरी करता था यहाँ, उसके साथ में मारपीट हुई है कंपनी में अंदर। कंपनी से उसे एम्बुलेंस लेके गई है और किसी उसी में लंच वगैरह जूते वगैरह कंपनी में ही है। हाँ, अब ये नहीं तो हम तो पता नहीं, हम तो काम में थे। अब जो तो बंदा है उसी को पता है किसने मारपीट की। मनोज कुमार स्टेट कंपनी है, यही कंपनी है जो खड़े हैं उसके सामने। बिल्कुल डेथ है, वो तो खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। ये बच्चे देखो, अब कंपनी वाले तो अपने पल्ले जा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे कंपनी वाले। क्या हुआ सारे कर्मचारी जो बाहर आए कंपनी के? ये वर्कर है, ये कंपनी में बुलाया था रवि अचोड़िया, उन्होंने जॉब के लिए। क्या नाम था लड़के का? मनोज कुमार। मनोज था, तो क्या हुआ था उसके साथ? उसे बुला लिया, उसने यहाँ जॉब की 4 दिन, और भी जो लड़का था उसका उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो उसने लड़के ने धमकी दी थी इसको, अच्छा, तो कंपनी छोड़ दे। वो लड़का इसी में काम करता? हाँ, अंदर काम करता है। धमकी दी, छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे पीटेंगे। उसने कंपनी नहीं छोड़ी, तो 4 दिन बाद उसे फिर यहाँ गेट के आगे पकड़ लिया, उसके हाथ पे तोड़ दिए, दो हाथ एक पे तोड़ा है, और उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आज मौत हो गई? हाँ, कल शाम। कितने बच्चे थे इसके, कितनी उम्र? उसके 2 बच्चे हैं और उसकी उम्र 25 साल है। कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का। तो कर्मचारी आज ये कंपनी तरफ से कोई आश्वासन मिला कुछ ऐसा? अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। पुलिस में मामला दर्ज हो गया इसका? अभी नहीं हुआ। अभी पुलिस आई है, देखो गई है वहाँ पे क्या होता है। क्या कह रही पुलिस? बता गई है, 2 लोगों को ले गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सारे इंसान मिलने लगे को इंसान मिलना मुद्दा चाहिए, जिस जो आदमी मारा है वो आदमी आसाना चाहिए। वो कहाँ का रहने वाला, जिस आपको पहचान है? लोकल का ही है वो। लोकल का ही है, अभी कोई पहचान नहीं हुई है। मौके पर होते हंगामे को देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने परिजनों को शांत करने का प्रयास किया। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों का हंगामा शांत हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा डेली।